द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव जैसे हमने प्लानिंग प्रोसेस में पहले ही पढ़ा कि वॉट इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव हमने फर्स्ट स्टेप ही देख लिया था कैन बी सेट टू बी द डिजायर्ड फ्यूचर पोजिशन ऑफ द कंपनी ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आपको क्या बताया मेरा ऑब्जेक्टिव है वर्चुअली को एक मल्टी नेशनल कंपनी में क्रिएट करना तो दैट इज माई डिजायर्ड फ्यूचर पोजिशन स्टेट वॉट यू वुड लाइक टू अचीव दैट मीन्स आप क्या अचीव करना चाहते हो दैट इज वॉट योर प्लान सेब्जेक्टिव स्टेट्स वॉन्ट टू अचीव वॉट यू वॉन्ट टू अचीव नाइनटी फाइव परसेंट सो ऑब्जेक्टिव स्टेट वॉट यू वुड लाइक टू अचीव यूजअली सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट देखो कभी भी लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करता हमेशा ऑब्जेक्टिव सेट करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट क्यों बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज इनके पास में वो रिसोर्सेज हैं लोअर लेवल का क्या काम होगा टू वर्क फॉर द ऑब्जेक्टिव सेटिंग का काम किसका होगा द टॉप लेवल मैनेजमेंट नेक्स्ट इज सर्व एज द गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग बेसिकली देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया मिडिल लेवल मैनेजमेंट अब इसी प्लान को अचीव करने के लिए छोटे छोटे दूसरे प्लान या पॉलिसीज या प्रोसीजर्स या मेथड्स बनाएगी लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बनाएगी कि अगर हमको दिन में वन थाउजेंड यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो हम ऐसे ऐसे हमारा काम डिवाइड कर लेते हैं सो बेसिकली ये जितने भी एक्स्ट्रा प्लान्स जो मिडिल लेवल या लोअर लेवल बना रही है वो किस बेसिस पे बन रही है ऑब्जेक्टिव्स सो बेसिकली दे सर्व एज द गाइड ऑफ ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग नेक्स्ट इज नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स दैट मीन्स मैंने आप लोग को पहले भी बताया था ऑब्जेक्टिव आपको स्पेसिफिक टर्म्स में स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है लेट्स से आपके लास्ट ईयर का आउटपुट था 1000 थाउजेंड यूनिट्स आपने एक ऑल स्टाफ मीटिंग बुलाई आपने बोला हमको इस साल जो आउटपुट है वो लास्ट ईयर से ज़्यादा करना आपने कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं दिया ठीक है नेक्स्ट ईयर वापस मीटिंग हुई इस साल का आउटपुट था वन थाउजेंड एंड वन यूनिट पूरे मेंबर्स खुश हैं कि हमने लास्ट ईयर से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया और आप मीटिंग में आगे गुस्सा हो जाते हो कि क्या आउटपुट है ये आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट आपको क्या बोलेगी सर आपने बोला था लास्ट ईयर से ज्यादा हमने करके दिखाया डिड यू स्पेसिफाई नो यू डिड नॉट स्पेसिफाई योर ऑब्जेक्टिव सो द ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म्स लास्ट इज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैव देयर ओन गोल्स याद रखना यहां पे डिफरेंट गोल्स नहीं लिखा है यहां पे ओन गोल्स लिखा है दैट मीनस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने टॉप लेवल में जो गोल बना के दिया है उस गोल को अचीव करने के लिए स्मॉल स्मॉल खुद के गोल शायद हर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएगी लेट से कि आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल दिया कि माई प्रोडक्शन शुड बी ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स फॉर दिस ईयर ठीक है और आपको पता है कि आपकी प्रोडक्शन टीम ड्यूरिंग मार्च मंथ दे आर इन वेरी मच प्रेशर तो आप क्या करोगे आप अपने टीम में ऐसा बोलोगे कि मार्च महीने में हम थोड़ा सा कम प्रोडक्शन करेंगे बाकी के इलेवन मंथ्स में हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या देखा हमने दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मे हैव देयर ओन गोल दैट मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट खुद के गोल्स बनाती है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी हम सब ने हमारी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई है बी इट ए मोबाइल गेम बी इट एनी ऑब्जेक्टिव दैट यू सेट वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अचीव करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए सो व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स ब्रॉड काउंटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस बेसिकली एक आउटलाइन बताता है आपको अपने बिजनेस का कि ये बाउंड्री है आपके बिजनेस के पावर्स की रेफर्स टू द फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन एज आई टोल्ड यू इट्स अ बाउंड्री इट्स एन आउटलाइन सो इट विल टेल यू कि बिजनेस क्या फाइनल बाउंड्रीज के अंदर वॉट इज द स्कोप दैट इट कैन रन इट्स बिजनेस एंड टू इट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रीहेंसिव प्लान जैसे मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर रखा है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अगर ये आपको कोई भी केस स्टडी में दिख जाए आग बंद करके स्ट्रैटेजी नाम लिख देना बिकॉज स्ट्रैटी इज अ कॉम्प्रंसिव प्लान विच इंक्लूड्स थ्री डायमेंशन फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सी इफ यू डोंट डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे अगर आपको यही नहीं पता कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है अगर आपको यही नहीं पता कि आपको एक बॉल में कितने रन स्कोर करने हैं या फिर एक ओवर में आपको कितने रन स्कोर करने हैं तो आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे सो द फर्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेकेंड इज अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन नाउ दैट यू नो योर ऑब्जेक्टिव कि दिस इज वॉट आई हैव टू डू द सेकेंड थिंग इज हाउ विल आई डू इट अडोप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आपको ये सेलेक्ट करना है कि विच पर्टिक्युलर कोर्स ऑफ एक्शन वॉट इज द एक्शन प्लान दैट आई हैव टू अंडरटेक इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट इज एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अब कोई भी गोल हो आपकी लाइफ में यू नीड सर्टेन रिसोर्सेज नाउ सर्टेन रिसोर्सेज मे बी फाइनेंशियल मे बी फिजिकल बट यू नीड टू एलोकेट सर्टेन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट इज बिजनेस एनवायरमेंट नीड्स टू बी टेकन इंटू कंसिडरेशन वाइल फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी क्यों देखिए स्ट्रैटी आपको एक आउटलाइन बताता है एक बाउंड्री बताता है आपके बिजनेस के स्कोप की बट बट वो बाउंड्री के बाहर भी सर्टेन चीजें हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट बोलते हैं तो ये बिजनेस एनवायरमेंट का एक बहुत बड़ा यू कैन से रोल प्ले होता है व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेटजी सो बिजनेस एनवायरमेंट आल्सो नीड्स टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन वी आर फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रैटी नाउ द एग्जाम्पल्स में भी Pricing policy or the pricing strategy, marketing strategy, diversification, etc. So, all these things come under strategy. Always remember it's a comprehensive plan. So, the next one is policy. Now, what are policies? Policies are general statements which provide a basis for interpreting the strategies which are usually stated in general terms. Ab dekho, जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है वो एक जनरल टर्म में डिफाइंड होती है दैट मीन्स द स्ट्रैटेजी इज सेम फॉर एवरीबडी बट क्या सब लोग स्ट्रैटेजी को सिमिलर वे में इंटरप्रेट करेंगे ऑफ़ कोर्स नॉट देखिए जैसे मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपको प्राइजिंग स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है तो लेट्स से होंडा और ह्यून्डाई दोनों वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे वाई बिकॉज दे आर नॉट द सेम ऑर्गेनाइजेशन या अगर हम सेम ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करते हैं तो उसके अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को हर डिपार्टमेंट या हर ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से समझेगा दे विल इंटरप्रेट द स्ट्रैटेजीज इन देयर ओन मैनर सो पॉलिसीज़ प्रोवाइड अस अ बेसिस एक बेसिस प्रोवाइड करती है फॉर व्हाट फॉर इंटरप्रिटेटिंग और फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटजीज़ दे आर गाइड टू मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन इन इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी ओके सो बेसिकली पॉलिसी हमको एक यू कैन से एक ग्राउंड प्रोवाइड करती है वेयर वी अंडरस्टैंड द स्ट्रैटी ओके सो मैनेजर्स के लिए इट बिकम्स वेरी ईजी टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी हाउ बिकॉज पॉलिसी हमको एक बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग एस ए प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म जिसमें हम सारी स्ट्रैटेजी को इंटरप्रिट कर सकते हैं नाउ द मैनेजर्स हैव अंडरस्टुड और हैव इंटरप्रिटेटेड द पॉलिसीज इन दर ओन मैनर सो नाउ दे कैन टेक द डिशीजन्स अकॉर्डिंगली नेक्स्ट इज define the broad parameters within which a manager may function as i told you before the strategy provides us a basic boundary and policy helps the manager to understand that boundary within which it can function within which he can function so basically policy define a broad parameter within which a manager may

हमने काफ़ी बार कोई यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज किए लेट्स से अ कैमरा और अ मोबाइल और लेट्स से अ वॉशिंग मशीन तो देर इज़ ऑलवेज अ यूजर मैनुअल वो यूजर मैनुअल में कुछ प्रोसीजर्स लिखे होते हैं वॉट इज अ प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटी बेसिकली रूटीन स्टेप जो हर किसी के लिए सेम होते हैं टू कैरी आउट द एक्टिविटी लेट्स ए ड्राइविंग अ कार सबसे पहले आप गाड़ी को अनलॉक करते हो फिर आप कार का गेट ओपन करते हो यू सेट यू स्टार्ट द कार एंड देन यू ड्राइव कभी ऐसा होता है क्या गाड़ी में बिना बैठे फर्स्ट यू स्टार्ट देन यू सिट देन ओपन द डोर नो एवरीथिंग हैज सर्टेन स्टेप्स देर आर सम रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटी ये क्या होते हैं प्रोसीजर्स दे आर एस्टैब दे एस्टैब्लिश द एग्जैक्ट मैनर इन विच द वर्क इज टू बी डन ओके ये हमको बताते एग्जैक्टली exactly आपको काम कैसे करना है एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर होता है कि ऐसे ही आपको काम करना है तो प्रोसीजर हमको यह बताते हैं कि एग्जैक्ट मैनर क्या है जिसमें आपको काम परफॉर्म करना है आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे मैंने आपको पहले बताया गाड़ी अनलॉक करेंगे गाड़ी का गेट खोलेंगे बैठेंगे और कार को स्टार्ट करेंगे यू कैन नॉट स्टार्ट द कार फर्स्ट देन सिट इन द कार देन ओपन द डोर नो नॉट पॉसिबल लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं है वो तो प्रोसीजर हमको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताता है कि फर्स्ट स्टेप क्या है सेकेंड स्टेप क्या है थर्ड स्टेप क्या है एंड फाइनल स्टेप क्या है टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स टू फॉलो ठीक है मशीन कौन यूज करने वाला है इंसाइडर्स कोई भी पर्टिकुलर टास्क कौन कैरी आउट करने वाला है इनसाइडर्स एम्प्लॉइज तो प्रोसीजर किसके लिए होगा इंसाइडर्स दे आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू एनफोर्स अ पॉलिसी ओके नाउ पॉलिसी पॉलिसी मतलब क्या है हाउ इज मैनेजर गोइंग टू वर्क राइट right? तो मैनेजर ने हमको स्टेप्स बताए हैं तो व्हाट इज अ प्रोसीजर दे आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू एनफोर्स अ पॉलिसी पॉलिसी में कैसे काम करना है पॉलिसी को कैसे एनफोर्स करना है ये कौन बताएगा प्रोसीजर्स बताएंगे एंड लास्ट इज प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज आर इंटरलिंक विद ईच अदर पॉलिसी और प्रोसीजर एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते हैं वाई बिकॉज प्रोसीजर टेलर हाउ द पॉलिसी इज गोइंग टू वर्क एंड पॉलिसी गिव अस अ ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच वी शुड वर्क सिमिलरली प्रोसीजर आर स्टेप्स टू बी carried आउट विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क जैसे मैंने अभी लास्ट पॉइंट में आपको बताया था कि पॉलिसी हमको एक ब्रॉड पैरामीटर एक बाउंड्री देती है विद इन विच वी आर अलाउड टू वर्क और विद इन विच वी कैन वर्क सो प्रोसीजर हमको स्टेप्स बताता है ऐसी एक्टिविटीज के जो हमको पॉलिसी के फ्रेमवर्क के अंदर के परफॉर्म करनी है सो दिस वॉज द एंटायर प्रोसीजर द नेक्स्ट वन इज मेथड अब मेथड और प्रोसीजर सुनने में एक जैसे लगेंगे आपको क्या डिफरेंस होता है वो मैं बता दूंगा डोंट वरी मेथड प्रोवाइड प्रेस्क्राइब्ड वेज और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड प्रोसीजर में भी हमने सेम चीज पढ़ी थी आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ द हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज यहां पे भी हम सेम चीज देख रहे हैं प्रोवाइड प्रेस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड व्हाट इज द डिफरेंस बताता हूं डोंट वरी ठंड रखो ओके मेथड सबसे पहले होता क्या है Manner, या फिर ways. एक है है या फिर एक एक जिसमें आपको चीजें करनी है. एक चीज जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है यहां पे टास्क व्हाट इज द बिटवीन मेथड एंड प्रोसीजर अब देख लेते हैं इट डील्स विदास्क वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर बेसिकली प्रोसीजर में हमने लेट से फोर स्टेप्स पढ़े थे तो उसमें जो फर्स्ट वाला स्टेप है सेकेंड वाला स्टेप है थर्ड वाला स्टेप है और जो फोर्थ वाला स्टेप है हर एक पर्टिकुलर स्टेप कैसे परफॉर्म करना है ये हमको मेथड बताता है प्रोसीजर हमको क्या बताता था पूरी की पूरी एक्टिविटी अगर आपको करनी है दैट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू ड्राइव अ कार तो सबसे पहले आप गाड़ी को अनलॉक करोगे खोलोगे बैठोगे गाड़ी स्टार्ट करोगे ये हमको प्रोसीजर बताएगा मेथड हमको क्या बताएगा गाड़ी को कैसे ओपन करना है सो एक वे के अंदर में जो एकदम यू कैन से एलैबरेटेड वे में अगर एक्सप्लेन हो रहा है कि प्रोसीजर का एक पर्टिकुलर स्टेप कैसे परफॉर्म करना है तो हमको मेथड बताएगा लेट्स से कि मैं बात करता हूँ फोर्थ स्टेप ऑफ प्रोसीजर दैट यू वांट टू स्टार्ट अ कार तो मेथड हमको क्या बताएगा उसके अंदर की चीज दैट मीन्स देयर कैन बी थ्री और फोर डिफरेंट वेज टू स्टार्ट अ कार लेट से योर कार इज हैज अ की होल तो आप पहले गाड़ी की चाबी डालोगे इन द की होल एंड देन यू विल स्टार्ट द कार लेट से योर कार डज नॉट हैव अ की होल दैट मीन्स उसके कीलेस स्टार्ट बटन है वहां पे एक तो मेथड हमको क्या बता रहा है प्रोसीजर के अंदर जो हमने स्टेप्स बताए हैं वो एक एक स्टेप कैसे परफॉर्म करना है ये हमको मेथड बताता है समझ में आया प्रोसीजर और मेथड में डिफरेंस प्रोसीजर हमको स्टेप्स बताता है अब एक एक स्टेप प्रोसीजर का कैसे परफॉर्म करना है ये हमको मेथड method बताता है मेथड्स फ्रॉम अलग अलग है तो मेथड वैरी करेगा स्टार्ट करने में और गाड़ी खोलने में अलग अलग टाइम के टास्क है सो डेफिनेटली मेथड विल वैरी फ्रॉम टास्क टू टास्क एंड द लास्ट इज सलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम मनी एंड एफर्ट्स क्यों अगर आपने ऐसा कोई मेथड चूज़ किया जो लंबा है विच इज़ लॉन्ग इनफ तो वो डेफिनेटली आपका टाइम मनी और एफर्ट तीनों वेस्ट करेगा सो so अगर आप बेस्ट मेथड या फिर प्रॉपर मेथड सेलेक्ट करते हैं तो आपका टाइम भी सेव होगा मनी भी सेव होगा और एफर्ट भी सेव होगा नेक्स्ट इज रूल्स अब ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं क्यों क्योंकि मैं जब स्कूल में था और मैं मेरे फ्रेंड को बोलता था कि भाई ये नहीं करते हैं रूल्स के खिलाफ हैं तो मेरा फ्रेंड मेरे को बोलता था रूल्स आर मेन टू बी ब्रोकन ठीक है तो पहले तोड़ेंगे बाद में पहले ये समझ लेते हैं रूल्स होते क्या हैं रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट विच इन्फॉर्म अस वॉट इज टू बी डन हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना है आपको स्कूल रेगुलरली आना है दैट्स अ रूल ये आपको बताते हैं आपको क्या करना है यू हैव टू कम टू स्कूल रेगुलरली रूल यू हैव टू कम टू स्कूल इन योर यूनिफॉर्म रूल दे डो नॉट अलाउ एनी फ्लैक्सिबिलिटी दैट मीन्स कोई मॉडिफिकेशन कोई ऑल्ट्रेशन का स्कोप नहीं होता है यू कैन नॉट कम और शो अप इन अविल ड्रेस आपके प्रिंसिपल आपको पूछेंगे क्यों सिविल ड्रेस में है? आज क्या खुशी का ओकेजन है रूल्स आर मेन टू बी ब्रोकन नहीं नॉट अलाउड दे डो नॉट अलाउ फॉर एनी मॉडिफिकेशन दे डो नॉट अलाउ फॉर एनी टाइप ऑफ ऑल्ट्रेशन दे डो नॉट अलाउ फॉर फ्लेक्सीबिलिटी रिफ्लेक्ट एक्शंस विच मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन मतलब ऐसे एक्शन जो आपको लेने चाहिए और ऐसे एक्शन जो आप नहीं ले सकते हो जैसे कि स्कूल आना है एक्शन दैट इज दैट इज मस्ट टू बी टेकन स्कूल यूनिफॉर्म में आना है एक्शन मस्ट टू बी टेकन स्कूल कभी भी सिविल ड्रेस में नहीं आना है एक्शन मस्ट नॉट बी टेकन टैटू या फिर स्पाइक वाले बाल बनवा के नहीं आने एक्शन मस्ट नॉट बी टेकन दे आर यूजली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लान बिकॉज देर इज नो कॉम्प्रोमाइज और चेंज अनलेस द पॉलिसी डिसीजन इज टेकन सबसे सिंपल होते हैं क्यों क्योंकि रूल्स माई फ्रेंड रूल्स नेवर अलाउ फॉर चेंज तो बेसिकली कोई स्कोप ही नहीं है चेंज का ठीक है सबसे सिंपल हो गए दे डो नॉट अलाउ फॉर चेंज जो है वो है किसी के लिए अलग नहीं है रूल्स आर सेम फॉर एवरीबडी तो रूल्स आर द सिंपलेस्ट बिकॉज दे नेवर कॉम्प्रोमाइज और दे नेवर चेंज अनलेस द पॉलिसी डिसीजन टेकन रूल को बदलने का सिर्फ एक तरीका होता है आप ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी यानी जो हमने पढ़ा था ब्रॉड जो भी आपका पैरामीटर है ब्रॉड पैरामीटर उनको चेंज कर दो सो बेसिकली रूल्स आर द सिंपलेस्ट बिकॉज दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी चेंज नेक्स्ट इज प्रोग्राम प्रोग्राम देखो हम लोग प्रोग्राम जैसे वर्ड कॉम कम यूज करते हैं जब जनरली हमारा कोई इवेंट होता है या फिर हमको इवेंट प्लान करते हैं कि चल ये प्रोग्राम करते हैं आज रात का क्या प्रोग्राम है तो वॉट इज दैट दैट इज अ इवेंट दैट यू हैव प्लान तो एक बार उस तरीके से भी समझ लेते हैं डिटेल्ड स्टेटमेंट कहीं पे भी वर्ड दिख जाए डिटेल्ड स्टेटमेंट आंख बंद करके प्रोग्राम कॉम्प्रीहेंसिव प्लान का मैंने आपको क्या बताया था स्ट्रेटजी डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स टास्क ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सिस रिक्वायर्ड एंड द बजट बेसिकली एक पूरे इवेंट का आउटलाइन क्या करना है कैसे करना है ऑब्जेक्टिव क्या है क्या रूल्स हैं बजट क्या है सब कुछ एक आपको डिटेल्ड एनालिसिस देता है प्रोग्राम इट विल इंक्लूड द इंटायर गैमट ऑफ द एक्टिविटीज एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड हाउ विल इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल बिजनेस इट विल एंटायर गैमट मतलब एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको देता है पूरी कवरिंग डिटेल्ड एनालिसिस आपको देगा किस चीज का ऑफ एक्टिविटीज एज वेल एज दर्गेनाइजेशन पॉलिसी क्या काम हम कर रहे हैं वॉट आर द एक्टिविटीज दैट वी आर अंडरटेकिंग एंड वॉट आर द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ विल द पॉलिसी कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेजेशनल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज हम क्या कर रहे हैं क्या पॉलिसीज हमने यूज करी है और वो पॉलिसीज ने ऑब्जेक्टिव को कैसे हेल्प करी है ये सब हमें प्रोग्राम बताता है लास्ट इज माइन्यूट डिटेल्स आर वर्कड आउट इन प्रोग्राम्स जैसे मैंने आपको बोला डिटेल स्टेटमेंट कनेक्ट द डॉट्स डिटेल स्टेटमेंट माइन्यूट डिटेल्स माइन्यूट डिटेल्स हम हमेशा हमेशा डिटेल्ड स्टेटमेंट में ही प्रोवाइड करते हैं वॉट डू यू मीन माई डिटेल स्टेटमेंट माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो है वो हमको एक डिटेल्ड फॉर्मेट में दी है सो दीज आर डिटेल्ड स्टेटमेंट विच प्रोवाइड माइन्यूट डिटेल्स आर वर्क अंडर द प्रोग्राम्स दैट मीन्स छोटी से छोटी बात छोटी सी छोटी डिटेल हमें प्रोग्राम में मिलेगी लास्ट इज बजट हर किसी का एक बजट होता है लाइफ में आपको एक नया मोबाइल फोन खरीदना है बजट नई कार खरीदनी है बजट बोर्ड एग्जाम्स के बाद में गोवा जाना है बजट हर चीज का एक बजट होता है वॉट इज बजट बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस न्यूमेरिक टर्म्स हम जब कोई भी ऑब्जेक्टिव को न्यूमेरिक टर्म में डिफाइन करते हैं तो दैट बिकम्स बजट इट इज अ कंट्रोल डिवाइस ना वॉट इज अ कंट्रोल डिवाइस दिस इज नॉट द कंट्रोल पैनल ऑफ योर कंप्यूटर वर्ड इज कंट्रोल डिवाइस वॉट इज कंट्रोल डिवाइस फ्रॉम विच द डेविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ कैसे आपने प्लांट ऑब्जेक्टिव कंसिडर किया था ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट एक्चुअल आउटपुट है आपका टेन थाउजेंड यूनिट बजट में बजट की हेल्प से आपने न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर भी कर लिया एक्सप्रेस भी कर दिया अब आपने क्या किया टोटली totally उसको मेजर भी कर लिया सो इट बिकम्स अ कंट्रोल डिवाइस कि हमने कितना बजट या कितने न्यूमेरिक टर्म्स में जो हमारा टोटल आउटपुट था उसको क्रॉस कर दिया या उसको नहीं अचीव किया तो इट इज़ अ कंट्रोल डिवाइस इंक्लूड्स फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग फोरकास्टिंग क्या जितने भी हमारे रेवेन्यू आने वाले है. हमको फोरकास्ट करना है कि हम इस ईयर में फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट्स को सेल कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ठीक है तो हमारे फिफ्टीन लाख का रेवेन्यू आने वाला है वॉट इज प्लानिंग प्लानिंग द expenses. लेट से इस साल में हमको छः लाख की सैलरी देनी है दो लाख का रेंट देना है एक्सवाइजेड खर्चे करने हैं तो बजट इंक्लूड्स फोरकास्टिंग एज वेल एज प्लानिंग एग्जाम्पल देता हूँ कैश बजट एक स्टेटमेंट होता है जो हमको एस्टिमेट बताता है कैश इनफ्लो का भी और कैश आउटफ्लो का भी जिससे हमको क्या फायदा होता है वी कैन अल्टीमेटली कंपेयर एंड फाइंड आउट द डेविएशन